बाबी सा वो बच्चे ना इसका जहाज बना के उड़ा रहे थे तो मैंने ले लियो। मारे को थोड़ी सी लिखाई दिखी तो उठा लियो। अब मारे को लिखनो पढ़नो तो आ भी ना है। वैसे भाई सा जेब में क्या लिखियो? दुलारी तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? भाई सा बस कुछ दिन हुए हैं। तो तुम्हारी सास पोता पोती चाहती है? उनकी बात तो छोड़ो, मारा खुद का मन करे कि गोद में बाल गोपाल खिलाऊं, पर मारा घरवाला मना करे। क्यों? वो कहवे अभी हम लोग तो छोटे छोटे बालक है ना, तो अभी नहीं। पर भाई साहब आप मारे से ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्यों, मैं कुछ भी पूछ सकती। मारी बात तो सुनो। क्या है? वो क्या है ना, मारे को लवली भाई साहब बाहर मिली थी। मारे को कह रही थी कि मैं आपको कह दूं कि चूल्हे पे चावल चढ़ा देना और सब्जी के वास्ते वो गोभी आलू टमाटर प्याज भी काट देना, और ये भी देख लेना कि चावल ज्यादा गल ना जाए या कच्चे न रह जाए। हाँ, लवली ने मुझसे ये सब कुछ करने के लिए कहा? मैं वहां आके थारी हेल्प कर दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, तुम जाओ। ता थोड़ी सी हेल्प कर देती हूं। हां नहीं नहीं नहीं, देखो ये लाल लकीर है ना, तुम इस साइड नहीं आ सकती, तो उधर ही रहना। थोड़ी सी हेल्प कर। नहीं नहीं नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं बहुत अच्छे चावल बनाता हूं, तुम जाओ। हां अरे लवली इससे क्यों कह रही है? कभी नहीं सोचा था कार्तिक बेटा ये दिन भी आएंगे। ये दुलारी कहाँ है? अभी तो छोड़ के गई थी काम करने के लिए। ओए कहीं वहां तो नहीं गई? कार्तिक से पूछो, पूछ ही थी। कार्तिक जी भाभी, मैं क्या कह रही थी, वो दुलारी तुम्हारी तरफ आई है क्या? नहीं भाभी, अभी अभी तो यही थी, मुझसे कह रही थी कि लवली उससे मिली थी, कुछ काम करने के लिए कहा था और आने वाली है अभी, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, वैसे ये दुलारी है बड़ी कामचोर। अच्छा तुम्हें ना थोड़ा अपना ध्यान रखना, मेरा मतलब है ये दुलारी से ना जरा बच के रहना, पता नहीं कहाँ रह गई। ओए दुलारी ये कहाँ चली गई? तुम आ गई, एक बात बताओ तुमने दुलारी से क्यों कहा था काम करने के लिए? मैंने चावल चढ़ा दिए, तुम देख लेना। थैंक्स। ये दुलारी ना फिर गायब हो गई क्या? अरे हाँ भाभी, मैं ना उसको हॉल साफ करने का काम देके किचन में गई थी, बाहर आई तो गायब हो गई। मुझे ना ये बिल्कुल ही कामचोर लगती है। हाँ तुमने सही कहा, ये महीना खत्म होने दो, हम इसका हिसाब करके इसके निकाल देते। क्या खाना बनाती हो तुम आजकल? हाँ
इतना जल्दी जल्दी क्यों खा रही हो? वो मुझे बहुत भूख लगी है ना, इसलिए ऐसा खा रही हूँ। आराम से भाई, मजा आ गया। कार्तिक, ये मैंने लिस्ट बनाई है रसोई के सामान की, जाकर ले आओ अभी। लवली, अभी अभी तो खाना खत्म किया है, थोड़ा आराम करने दो, कभी कभी छुट्टी मिलती है। देखो कार्तिक, ऐसे आलस मत करो, और तुम्हें छुट्टी कितनी मुश्किल से मिलती है, जाके पहले सामान ले आओ प्लीज। तुम जाओ, उठो, जाओ ना कार्तिक। जा रहा हूँ ना बाबा, धक्का ही मारती जा रही हूँ। कार्तिक, साथ में ना आम का अचार भी लेते हैं। अच्छा, ये सब और आम का अचार रिया भाभी के लिए। नए साल पे तो मजा ही आ गया पाई गाड़ी के साथ। गया ना दुलारी, कहाँ रह गई? देखिए ना मासा, आज फिर गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली जाती बिना बताए। गया ना वो, कोई बात नहीं, बच्ची है बिचारी। मासा, आपका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है, आप इन काम वाली को नहीं जानती, देखा नहीं बार बार गायब हो जाती है। आप आज्ञा दें तो दो दिन में हम सीधा कर दें इसे। भाई साहब, सॉरी, मारे को माफ कर दो, वो कुछ जरूरी काम आ गया था। ओए, ये रोज रोज तेरे कौन से जरूरी काम होते हैं? है? आग चुराई और भाग ली, और तुम जाती किधर है यहाँ? भाभी साहब, अब थारे को के बताऊं, आठी तो दो तीन लुगाइयां हैं, लेकिन मारे घर में मैं बस एक ही बिंजड़ी हूँ, और मारी सास वो भी बहुत उम्र की है, तो सारा काम ना मारे को खुद निपटाना पड़ता है। हाँ, अच्छा ठीक है, अब बातें बनाना छोड़ और चल जाकर के बहू की मदद कर, चल। हाँ, थैंक यू मासा। नमस्कार समनी जी। स्वागत है आपका सांसद महोदय। बहुत बहुत मुबारक हो भाई नया साल। आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। मैं क्या करूं? आइए आइए ना, आइए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, जुड़ गए वैसे समझ लीजिए कि जैसे आपका रंग हम पर चढ़ गया हो। मैंने त्यागी जी से कह दिया इस बार नो पार्टी वार्टी, बस ये दिल्ली जा रहे थे, मैंने कहा चलिए वहां से बीकानेर वाली माता के दर्शन कर लेंगे, वहां से सीधे यहाँ चले आ रहे, सोचा आप लोगों को प्रसाद दे देंगे और लगे हाथों तो न्यू ईयर की विशेष भी दे देंगे, और ये आपके लिए कुछ छोटे मोटे तोहफे भी लेकर आए हैं, बुरा मत मानिएगा समधन साहब। बुरा क्यों मानेंगे, आप इतने प्यार से लाए हैं तो हम जरूर लेंगे। ये लवली और कार्तिक नजर नहीं आ रहे हैं। अब हाँ, वो लोग अपने कमरे में होंगे।
जी अभी बुलाते हैं, जाओ दुलारी जाके पानी लेकर आओ। जी मासा। नीमी बहू जी तुम जाओ और जाकर लवली और कार्तिक को बुला लाओ। जी मम्मी जी। ये कौन है? ये हमारे घर में काम करती है। वो ऐसा है कि काम बहुत ज्यादा है तो वो बहू की थोड़ी मदद कर देती है। अच्छा तो आपने सर्वेंट रख ली? हाँ, वैसे इतना बड़ा परिवार है और फिर सारे काम भी तो ट्रेडिशनल वे में करने पड़ते हैं ना, तो आप सब लोग थक जाती होंगी ना। कोई बात नहीं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मासा के पैर में मोच आ गई थी तो मालिश के लिए रखा है, बस ऊपर से थोड़ी बहुत मदद कर देती है इसलिए। अच्छा तो जब आपका पैर ठीक हो जाए ना तो आप इसे हमारे पास भेज दीजिएगा। वो क्या है ना कि अब हमारी दाई जा की थोड़ी उम्र हो गई है, अब इतनी सारी पार्टियां इतने सारे लोग वो ठीक संभाल नहीं पाती। अब जरूर इसे हमारे यहाँ भेज दीजिए। हाँ जी। तुम्हारा नाम क्या है? लवली की मासा तुमसे कुछ पूछ रही है, जवाब दो। वो मारा नाम दुलारी है। दुलारी? दुलारी प्यारा नाम है। नहीं अच्छा दुलारी ये बताओ तुम्हें ये सब नॉनवेज कॉन्टिनेंटल वगैरह बनाना आता है ना? वो नहीं साहब, मारे को ना बस शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाना आता है बस, और कुछ ना। अब तो ये हमारे कोई काम की नहीं है। ये सब क्यों पूछ रही है? मेरी बच्ची ये क्या तू मांग टीका लगाकर कब से घूमने लगी? गहरा भाई साहब आपके घर मेहमान आ गए ना, तो मैं घर जाके अपना काम निपटा लूं। चुप कर, कहीं नहीं जाना। जब देखो जाना है जाना है, देखा नहीं कितने मेहमान आए हैं, कितना सारा काम है। देखो ऊपर जाके गेहूं सूखी है तो उसे डब्बे में ले आओ। हाँ जाड़ी नहीं है। लवली अपने कमरे में होगी तब मिलेगी ना, वो तो यहाँ यहाँ पर है। ये लवली कार्तिक गए तो गए कहाँ? ओए होए अब मैं इनके मम्मी डैडी को क्या बोलूँ? आज कैसे भी करके मुझे घर से बाहर जाना ही होगा वरना मेरी छुट्टी हो जाएगी। मम्मी जी ये दोनों तो घर पे है ही नहीं। हाँ नहीं है? अब यही कहीं होंगे, बस आ जाएंगे। भाई नए साल की खुमारी है और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, ऐसे में ये दोनों कहाँ चले गए? भाई साहब गेहूं सूख गए हो? हाँ मैं चक्की जाके आटा पिसवा लाती हूँ। हाँ
और रास्ते में अगर लवली भाई साहब हमारे को मिल गई तो उनको बता दूंगी कि उनके मासा और बापू साहब यहाँ पे आए हैं। पर तुम्हें कैसे पता कि लवली घर पर नहीं है दुलारी? वो निम्मी भाई साहब कह रही थी ना तो सीढ़ी साथ में मैंने सुन लियो। अब मैं चल। अरे वाह, आप लोग तो सचमुच लकी हैं। हाँ, अब आजकल ऐसी नौकरानी मिलना वाकई में, मतलब मालिश करने के साथ साथ ये छोटे मोटे ऐसे वाले भी काम कर लेती है, कमाल की बात है। आप प्लीज आपका पैर ठीक होने के बाद इसे हमारे यहाँ भेज दीजिए। नॉनवेज बनाने नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम इसे अपने यहाँ रख लेंगे। हाँ सॉरी, मालिश वाली ये क्या कर रही है तुम? आप कैसे हैं? अच्छा लगा, बड़े दिनों बाद देखा तुम्हें। Wish you a very, very, very happy new year. Same to you. अरे लवली कहाँ है? लवली वो कुकिंग क्लासेस गई है। कुकिंग क्लासेस? अच्छा? हाँ, लवली आजकल बहुत अच्छा खाना बनाती है। Really? तो मैं अभी उसे फोन करके बताती हूँ कि फौरन यहाँ आ जाए क्योंकि हम लोग आ गए हैं। जी जी। डैड, मॉम, लवली, डैड, लवली। कार्तिक बता रहा था कि तुम कुकिंग क्लासेस के लिए गई थी। हाँ माँ, लेकिन अभी ना मैं मार्केट गई थी वो दुपट्टा डाई करवाने देने के लिए। अच्छा, मेरी बच्ची। अरे ये क्या, तुम मांग टीका लगाकर कब से घूमने लगी? ये क्या है? ओ मॉम, ये ना वो फेंग शुई रंगोली है। ओ गॉड, जल्दी जल्दी मैं ये निकालना ही भूल गई। वो मॉम, मैं वो दुकान पे गई थी टीका खरीदने के लिए, लगा के देख रही थी कैसा लगता है और निकालना ही भूल गई। समदन जी, इधर आकर बातें करते हैं, आइए। आर यू समदन साहब? अरे पहले अपनी बच्ची से जी भर के मिल तो लूं। निकालना भूल गई थी। अरे ये नहीं, ये क्या है? रंगोली, वो भी ऐसे एक रेड लाइन, ये कौन सी रंगोली?
बोलिए। वो मॉम ये ना वो फेंगशुई रंगोली है, इससे घर में बरकत आती है, सबकी हेल्थ अच्छी होती है और सक्सेस मिलती है। और अभी पूरी नहीं हुई है, अभी बस आधी है। अच्छा, देखा आपने आपकी बेटी कितनी समझदार हो गई है। सुनिए जी, मैं भी अपने घर में नेम फेम मनी और सक्सेस के लिए ऐसी फेंगशुई रंगोली बनाऊंगी। गहना भाभी, अब मैं वापस आ गई हूँ ना, हम फिर से ये रंगोली बनाएंगे और पूरा कर देंगे। हाँ हाँ, लेकिन वो रंगोली का डिब्बा भी तो लाना है। अच्छा, कितने से रंगोली लेके आऊँ? भाभी वहाँ स्टोर रूम में है। अच्छा, पर वो तो हमने दुलारी को कहा था रखने के लिए, तुम्हें कैसे पता लग गया?